खबर में मैं हूं आपके साथ रागनी पांडे। किसी बच्चे की गलतियों पे पिता को डांटते या शर्मिंदा होते सुना होगा आपने, मगर यहाँ मामला बिल्कुल ही उल्टा है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल विकास दुबे के पिता अब बेटे की जमकर तरफदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए कोर्ट तक जाने की हामी भी भर रहे हैं। देखिए कैसे मीडिया के सामने अपराधी के पिता अपने बेटे की करतूतों पर पर्दा डालने के अंदाज में बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की निर्ममता से हत्या करने वाले अपराधी विकास दुबे की संपत्तियां पुलिस एक एक करके तबाह कर रही है। गांव में बने उसके मकान को गिराने से पहले बाहर निकाले गए मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के पिता राजकुमार दुबे ने घटना के समय दवा खाकर अचेत होने की बात कही। जब उनसे विकास के बारे में पूछा तो बोले, वो ऐसा नहीं कर सकता भाई, उस वक्त हमने नहीं जाना कब किसने क्या किया, विकास को क्या दंड मिलना चाहिए के सवाल पर उन्होंने कहा, जो शासन सोचे वो दे, इसके हिसाब से जो दंड निर्धारित होने चाहिए वो मिले। रात में हम बेहोशी की हालत में थे, हमारी 2-3 बार ऐसी तबीयत खराब हो चुकी है कि हमें होश ही नहीं रहता था कब किस समय क्या हुआ। उस वक्त हमने नहीं जाना कि कब इसने क्या किया, तो क्या हुआ, हम खुद नहीं। अच्छा, अगर ये सिद्ध हो जाए कि उसने किया है, तो विकास को क्या दंड मिलना चाहिए? विकास को जो शासन पना उचित दंड समझे वो। अरे आपके हिसाब से ऐसे आदमी को क्या दंड मिलना चाहिए? आपके हिसाब से ऐसे व्यक्ति को क्या दंड मिलना चाहिए? अब इसके हिसाब से जो दंड निर्धारित हो वो मिलना चाहिए। घटना के समय दवा खाकर पड़े थे, विकास घर पर थे, हमें नहीं मालूम है, हमारे पास नहीं थे तो हम जानते हैं कि नहीं थे, घर में अकेले थे, ये बहू पास वाले कमरे में थी। उन्होंने कहा कि ये बहू का पति हमारी सेवा में नियुक्त था, उसे भी पुलिस वाले ये कहकर ले गए कि तुम बहुत नजदीकी हो, तुम सब जानते हो, यानी उसे भी अपराधी बनाकर ले गए जो हमारी सेवा में नियुक्त था, उसे भी ले गए, तो फिर चलो कोर्ट में, जैसा भी जो कुछ होगा कहा जाएगा। अब क्या करें, जब आप कोर्ट ले जाएंगे बताओ पुलिस के हाथों कौन छूट पाया है। ये जब अपराध हुआ तब हम अचेतन अवस्था में थे और ये बहू भी बीमार थी और पास के कमरे में बच्चों के साथ थी। अब देखना होगा कि विकास के कुकर्मों का काला चिट्ठा उसके पिता को कब तक सफेद दिखता रहेगा। क्रिमिनल विकास दुबे के अत्याचारों पर आखिर कब तक उसके पिता यूं ही बेतुकी बयानबाजी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आज की खबर।